गुड मॉर्निंग भाई सारे भाइयों को, मैं विक्की खत्री आपके सामने अपने आज छठे दिन में और छठे शहर में छठे व्लॉग में जो कि मेरा सीरीज चल रही है 10 दिन 10 शहर के आज छठे दिन में, तो स्वागत करता हूं आपका भाई। अभी खड़ा हूं सेक्टर 17 द्वारका। यहां पे पहुंचने का कारण आज आपके भाई के पास जो बुकिंग है वो है फरीदाबाद राउंड ट्रिप के लिए, तो उनको पिकअप करने के लिए पहुँचा हूँ। 8 बजे का पिकअप है, 7:42 का समय हो गया है और भाई पिकअप करके आज फरीदाबाद के बारे में जानेंगे और फरीदाबाद ट्रिप कैसे कंप्लीट होगी, क्या खर्चे पड़ने हैं और क्या क्या कार्रवाई इसमें होगी, हर चीज़ के बारे में आपको अपडेट हो जाना है, हर चीज़ के बारे में आपको पता लग जाएगा आखिर तक और कैसे कैसे काम हो रहा है, किस किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। हर रोज़ आप देख रहे होंगे बहुत सारे भाइयों के मैसेज आ रहे हैं, काम डाउन जरूर है भाई, दौड़ा दो मगर घोड़े जो भी आपके पास हैं, खोल दो सारे आने चारों तरफ, जो काम मिले जैसा काम मिले बस वो करते रहो, क्योंकि मंदे काम में भाई ज़्यादा नखरे की ज़रूरत है नहीं। जो बुकिंग आए उसने लेकर अपना बढ़िया तरीके से करो, ताकि जो ये पैसेंजर अभी आप मंदे काम में हो सकता है कुछ कम रेट में कर रहे हो काम, मगर जब काम आएगा तो ज़रूर आपके पास इन पैसेंजरों का कॉल आने वाला है, तो उस टाइम पे आप देख लेना। तो आज का जो पिकअप है जैसा मैंने बताया द्वारका सेक्टर 17 से फरीदाबाद के लिए राउंड ट्रिप, पुराने पैसेंजर हैं, एक बार मेरे साथ हिसार में देखा होगा, एक बार मेरठ में देखा होगा, तो मगर आज फरीदाबाद के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर है, कोई एग्ज़ाम है वहाँ पर, तो लेक्चरार हैं मैडम, उनको वहाँ पर एग्ज़ाम दिलाना होगा। बाकी हम तो अपने काम से मतलब रखते हैं भाई, हमें तो अपने काम के बारे में जानना है, अपने काम के बारे में बताना है, तो बने रहना है लोग में आखिर तक, करो भाई काम करते रहो, काम खींचते रहो, मंदा तेज चलता रहना है। तो मिलेंगे आपसे भी पैसेंजर को लेके फरीदाबाद की ट्रिप में। पहुंच गया हूँ फरीदाबाद सर्वोदय हॉस्पिटल चौक, और भाई सुबह 8:30-9:30 के आसपास में चला था और 10:15 यहाँ पर ड्रॉप हुआ है। 52 किलोमीटर की राइड थी यहाँ तक की, और अभी वापस भी जाना है, करीब से 3 से 4 बजे निकलेंगे। और भाई चौक की मैं क्या बात बताऊँ यार, मैं जब से आया हूँ ना बस इस चौक पर तो भाई साहब फुर्सत ही नहीं, इतना तगड़ा और ख़तरनाक लेवल का चौक मैंने दिल्ली में भी नहीं देखा, जितना ही हो इतना बिजी भाई फरीदाबाद में चौक है। तो भाई देखते हैं अभी कितनी देर में निकलेंगे, वैसे 4 बजे के आसपास बोले हैं निकलने के लिए, सवारी कई बार मैं इन सवारी के साथ भाई कई बार मैं काम कर चुका हूँ, हिसार मेरठ 2-3 बार गए हैं, तो बाकी बताऊंगा आपको, अभी करते हैं रेस्ट। भाई 5 बज गए हैं सुबह से इंतज़ार करते करते, आधी टंकी से ज़्यादा टंकी सीएनजी खर्च हो गई है बैठे बैठे गाड़ी में, और अभी फ़ोन आया था पैसेंजर का, 20 से 25 मिनट और लगेंगे, तो भाई देखो कब तक निकलेंगे और छोड़ेंगे फिर इनको। बाकी फरीदाबाद के बारे में तो क्या ही बताएं, सारे भाइयों को पता है, ये तो दिल्ली के लोकल में ही चलता है, NCR में आता है, मगर भाई जो बुकिंग होगी मेरे पास पूरे दिन की उसी के बारे में बात कर पाएंगे। तो फरीदाबाद भाई दिल्ली से वेल कनेक्टेड है, मेट्रो से, बसेस से, ट्रेन से भी, और दिल्ली बॉर्डर बदरपुर बॉर्डर फरीदाबाद पे लगता है, और कई सारे बॉर्डर लगते हैं मगर मेन बदरपुर बॉर्डर है। तो हरियाणा का ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद, बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ भाई फरीदाबाद में हैं, और बेहतरीन शहर है, काम इतना जितना पुराना शहर है, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज इस शहर में है ना उस हिसाब से काम है नहीं, थोड़ा सफाई का इश्यू है, जितना काम होना चाहिए था शहर में उतना हो नहीं रखा, क्योंकि बहुत सारा रेवेन्यू इस डिस्ट्रिक्ट से आता है हरियाणा में। बाकी देखेंगे भाई अपना कब पैसेंजर आते हैं फिर निकलते हैं, गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट के सर पे रहने दो, किसको कहाँ पे कितना काम करना है। तो भाई वेट चल रहा है यार, सारा दिन हो गया है बैठे बैठे। चलो
तो भाई बुकिंग कैंड हो गया था फरीदाबाद वाली का कल ही, कल रात को मैं अपडेट कर नहीं पाया, और अभी सुबह सुबह जब मैं काम पे निकल रहा हूँ तो ये आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो इसमें भाई 3,000 रुपये की बुकिंग थी, 250 किलोमीटर की लिमिट थी, कुछ इतना ज़्यादा बताने के लिए इसमें है नहीं, क्योंकि बहुत छोटी ट्रिप थी, छोटी क्या नज़दीक की ट्रिप थी, तो कुछ ना ज़्यादा इसमें दूर गए ना और कहीं कुछ गए, तो एक बार सिर्फ 53 किलोमीटर एक तरफ जाना था और 53 किलोमीटर वापस आना था, JS बोस यूनिवर्सिटी। तो गाड़ी खड़ी रही मगर भाई सिर्फ 105 या 6 किलोमीटर गाड़ी चलनी थी, मगर गैस ख़त्म कर दी मैंने पूरी, तो कुल मिला के बात ये है। तो भाई 250-300 किलोमीटर गाड़ी चली, ये मान के चलो पूरी CNG एंड होगी, घर पहुंचे जैसे ही तुरंत ही उनके घर के बाहर ही CNG पंप था, वहीं से मैंने डलवाई, पेट्रोल में आ गई थी गाड़ी उसी टाइम। तो भाई बैठे बैठे गर्मी में सारी CNG फूंक दी थी और बुकिंग का एंड करके निकल गया था घर। तो अभी आपको बता रहा हूँ भाई 250 किलोमीटर की लिमिट में बुकिंग थी, रहती तो फरीदाबाद की लोकल में ही है, मगर ये मैं आजकल आउट स्टेशन कर रहा हूँ तो आउट स्टेशन में ही इसको ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये भाई पूरे दिन के लिए गाड़ी बुक थी इसमें। तो किराया इसमें 3,000 रुपये, 260 रुपये का इसमें लगा टोल, जिसमें 100 MCD, 100 हरियाणा और 60 रुपये बदरपुर बॉर्डर का अप डाउन का टोल। तो इस तरीके का था भाई, करीब 1 घंटा 35 मिनट जाने में लगे थे और 1 घंटा 50 मिनट वापसी आने में लगे, क्योंकि इवनिंग में भाई ट्रैफिक हो गया था। बढ़िया, तो इस वाली ट्रिप का भी भाई कर देता हूँ एंड, हाँ छठे सिटी का भी भाई कार्रवाई हो गई है फरीदाबाद की, तो अपना आधे से ज़्यादा सफ़र हो चुका है, 10 दिन 10 शहर के चैलेंज में। तो देखते हैं कल कौन से शहर में आपसे मुलाकात होने वाली है, करूँगा आपको अपडेट, बने रहना है व्लॉग में। इसी तरीके से चैनल को आप अपना प्यार देते रहो और काम करते रहो। तो मिलेंगे भाई किसी दूसरे शहर में अब आपसे, जब तक भाई को दे दो इजाज़त, सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद जय भारत।